पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामाने बाजारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है, एक माहौल जो है एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार को जमकर घेरा है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नीतीश कुमार को जमकर तेजस्वी यादव ने सुनाया है। इसके पहले भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द चार चमचे बेलचे हैं, वो वहाँ पैसे लेकर के और ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। इस प्रकार से एक बार फिर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के अधिकारी, बड़े अधिकारी यहाँ नहीं टिकते हैं, यहाँ अधिकारियों की नीलामी लगती है, जितने बड़े रकम नीलामी में खर्च होते हैं उतनी अच्छी उनको स्थान मिलता है, इस तरह का तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार के चमचे बेलचे काम कर रहे हैं और बड़े अधिकारी को काम करने नहीं दिया जाता है, इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार के डीजी जो अपने पद छोड़कर सीआईएसएफ के पद को डीजी पद को अपनाया है, यह साफ जाहिर होता है, क्योंकि एक स्टेट का जो डीजी होते हैं उनका जो पद होता है वो एक सीआईएसएफ के डीजी से कहीं ज़्यादा बड़ा और ताकतवर पद होता है। तो क्या कारण हुआ कि यहाँ का डीजी पद छोड़कर और वो सीआईएसएफ के डीजी पद को स्वीकारा है, इसे साफ जाहिर होता है कि यहाँ कोई बड़े अधिकारी काम करना नहीं चाहते। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे तेजस्वी यादव, पहले आप इनका बयान सुने। अब देखिए, अब जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामाने बाजारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है, एक माहौल जो है एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के लोग हों या और कहीं के लोग हों, किसी अन्य राज्यों के, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं। और जहाँ तक बात है, हम तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं होती हैं, बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पर क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं? हर जगह इस तरह का माहौल जो है बीजेपी के लोग पहले क्रिएट करना चाहते जो पूरी तरीके से असफल रहेंगे। देखिए, कोई रहना कहाँ चाहता है यहाँ? अच्छे से अच्छे अधिकारी जो हैं यहाँ वो रहना नहीं चाहते, अभी उनका कार्यकाल बाकी था। और बल्कि स्टेट का डीजीपी जो है कई गुना सीआईएसएफ के डीजीपी से ताकतवर होता है, तो कोई भी बाई चॉइस अगर किसी व्यक्ति को अगर डीजीपी अगर बनना हो तो वो प्रेफर करता है कि भाई स्टेट का डीजीपी बने। तो आप समझ रहे हैं कि पहले भी वो सेंटर पे थे, वो आए, उनको काम करना था, लॉ एंड ऑर्डर चीज़ें देखनी थी। लेकिन यहाँ जो माहौल है पूरे बिहार में, जो आईएएस हैं वो भी कुछ लोग, वो दबा करके रखना चाहते हैं आईपीएस लोगों को। और यहाँ नीतीश कुमार के जी के राज्य में पूरी तरीके से जो ट्रांसफर पोस्टिंग आईपीएस की होती है या आईएएस की होती है वो नीलाम किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा नीलामी में भागीदार होगा उसी को अच्छी पोस्टिंग नीतीश कुमार जी के राज्य में मिलती है। पूरी तरीके से खुला नीलामी होता है, ये सब जानते हैं। उसलिए जो अच्छे अधिकारी हैं वो रहना नहीं चाहते हैं यहाँ। एक माहौल ऐसा बना दिया गया है, जो फेयर काम करता है उस पर दबाव डाला जाता है कि उनके हिसाब से काम, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कोई अच्छा अधिकारी कह रहे हैं कि आप ममता बनर्जी बलात्कारी का समर्थन करती हैं। अब एक बार हो गया ना भाई, कोई भी बलात्कार करने वाला उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जाके मार्केट में तोड़फोड़ करिएगा क्या, उसका साथ आप दे रहे हैं? जो बाजार में जितनी डकैती की जा रही है खुलेआम,
तो आप उन लोगों के साथ खड़े हैं क्या? उत्तर प्रदेश में योगी ने नीति बनाई है सर, यूपी में दो दिवस के दौरे पर बिहार आ रहे हैं। आना चाहिए ना, सब लोगों को आना चाहिए। बिहार हमेशा से लिए उनके लिए चैलेंजिंग रहा है, तो बिहार तो आना ही चाहिए उन लोगों को। आज तक हमेशा जो है अपने बल पर सरकार नहीं बना पाए, अभी भी आप देखिएगा इतना अपने आप को ताकतवर लोग समझता है। हालांकि इस बार लोकसभा में तो टैंटा फिश हो ही गया इन लोगों का, 400 पार कर रहे थे अपने भाजपा वाले लोग, क्या स्थिति हुई सब लोगों ने देख लिया। तो अभी भी तो पिछले लघु तो नहीं हुए है ना भाई। तेजस्वी यादव ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के नीतीश कुमार को जमकर घेरा, साथ ही साथ ममता बनर्जी को, जो बंगाल के ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने ये कही थी कि हाँ बंगाल जल रहा है, बिहार भी जलेगा और उत्तर प्रदेश भी और कई भारत के राज्य जलेंगे। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लूट मचा रहे हैं और किस तरह से दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, इसको देखकर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि जिस तरह का ममता बनर्जी वहाँ का शासनकाल है, वो वहाँ का जो कार्यकाल ठीक चल रहा है, आपको देखना है तो उत्तर प्रदेश में जाइए, वहाँ बलात्कार की घटना सबसे ज़्यादा है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ बलात्कार और अपराधीकरण बहुत ही चरम स्थिति पर पहुँचा हुआ है, लेकिन किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नींद नहीं खुल रही है। साथ ही साथ जेपी नड्डा को बिहार आने पर उन्होंने कहा कि बिहार तो सब आते हैं और आए तो क्या बड़ी बात हो गई, ये तो कोई भी आ सकते हैं, लेकिन बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंजिंग रही है। चाहे जितने बड़े बिहार के नेता बिहार में आ जाए भाजपा के नेता, लेकिन बिहार में सरकार नहीं बना सकता है, इस तरह का बयान देते नजर आए तेजस्वी यादव। तो क्या कुछ कहते नजर आए मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।